यस स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रेड में ज्योग्राफी क्लास का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लासेस के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था राजस्थान में ट्राइब्स के बारे में, जनजातियों के बारे में हमने बात की थी। इसके अंदर हमने मीना जनजाति, गिर जनजाति, करासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सासी जनजाति, इन सभी जनजातियों के बारे में हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कशन किया था। इन सभी जनजातियों के बारे में डिस्कशन करने के बाद में आगे हम बात कर रहे हैं जनजातियों से जुड़े हुए पार्ट के बारे में ही। और अब जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के अंदर जो जनजातियां हैं इनको डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं राजस्थान की सरकार के द्वारा, उनके बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान में जो जनजातियां हैं उनको डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स, यानी कि राजस्थान में जनजातियों का जो विकास किया जा रहा है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देश को आजाद हुए 50 साल से भी अधिक समय हो गए हैं, 70 साल हो चुके हैं और जनजातियों की स्थिति में इतने लंबे समय के बाद में भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि राजस्थान और या पूरे देश को जो आजाद हुए इतना लंबे समय हो चुका है, उसके बाद भी जनजातियों के डेवलपमेंट की बात की जाए तो उससे संबंधित स्थिति के अंदर अभी भी कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना था, उस पंचवर्षीय योजना के अंदर तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से चौथी पंचवर्षीय योजना से तो किसी भी सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन इस स्थिति में या इनके विकास के लिए किसी भी प्रकार की योजनाओं का निर्माण नहीं किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातियों का जो विकास है उसके लिए किसी भी प्रकार की अलग से
किसी भी प्रकार के राशि का कोई ऑप्शन यहाँ पर, या कहें कि किसी भी तरीके की अलग राशि का यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उस तक आदिवासी क्षेत्र के ऊपर लगभग 97% से जो रुपया है वो यहाँ पर लगभग 98 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर खर्च किया गया था। 1956 में बांसवाड़ा जिले के अंदर कुशलगढ़ क्षेत्र में बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड को एक ऑफिस का शुरुआत की गई थी। तब 1956 में बांसवाड़ा में जो कुशलगढ़ तहसील है वहां पर मल्टीपर्पज ट्राइब्स डेवलपमेंट सेक्टर की डेवलपमेंट का इनोग्रेशन हुआ, इसकी शुरुआत की गई। तीसरी और चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है इनके थर्ड और फोर्थ 5 ईयर जो प्लानिंग है उसके अंदर इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जनजातियों के विकास कार्यक्रम जो है ये 18 खंडों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। जनजातीय विकास खंड जो है ये प्रत्येक 1 लाख की आबादी वाला जो क्षेत्र है जहां पर 66.66% जनजाति की जो आबादी है उसके आधार पर इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका लाभ भी कुछ वर्गों, मुख्य रूप से कुछ विशेष वर्गों के द्वारा ही इसका लाभ प्राप्त किया गया और इस कमी के कारण इन योजना को क्या किया, बंद कर दिया गया। इसके बाद अलग अलग समय के आधार पर अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई जो कहा इन जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। इसमें एक योजना की बात करें हम तो शुरुआत में जो योजना हम बात कर रहे हैं ये है जनजाति उप योजना क्षेत्र। जनजाति योजना क्षेत्र पांचवी योजना के अंदर जनजाति योजना का जो प्लानिंग उसको एक्सेप्ट किया गया था जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद जिले की 7 पंचायत समितियां, चित्तौड़गढ़ जिले की 2 पंचायत समितियां, सिरोही जिले की जो आपूर्ण पंचायत समिति है इन सभी को शामिल इस योजना के अंतर्गत किया गया। यानी कि जनजाति योजना क्षेत्र है इसके अंदर उपयोजन क्षेत्र में इस योजना को संचालित जहां किया गया उसमें बांसवाड़ा, उदयपुर जिले को पूर्ण रूप से शामिल किया गया, साथ ही साथ उदयपुर राजसमंद जिले की 7 पंचायत समितियों को इसके अंदर शामिल किया गया, चित्तौड़गढ़ जिले की 2 पंचायत समितियों को और सिरोही जिले की जो आपूर्ण पंचायत समिति है इनको इसके अंदर सम्मिलित किया गया। इन सभी जिलों की 23 पंचायत समितियों को मिलाकर के सरकार ने सन 1974 के अंदर जनजाति उप योजना क्षेत्र को घोषित किया गया। यानी कि 1974 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा इन जिलों में लगभग 23 पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया और इन सभी को शामिल करके क्या किया, जनजातीय उप योजना क्षेत्र इसको घोषित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1974 के अंदर। 1970 वर्ग किलोमीटर इस उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान राज्य का लगभग 19,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल हुआ जिसमें लगभग 4400 से भी ज्यादा गांवों की आबादी इसके अंतर्गत जोड़ी गई। इस योजना में राजस्थान राज्य का जो साउथ ईस्ट पार्ट है यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो भाग है जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले और इसके साथ साथ उदयपुर जिले की 6 तहसीलें, गिरवा तहसील के 81 गांव और चित्तौड़गढ़ जिले की जो 8 और प्रतापगढ़ तहसील है सिरोही जिले की जो आपूर्ण खंड है इन सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया।
निवास करती हैं। ये पूरा क्षेत्र पूरे प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका इस योजना क्षेत्र के अंदर लगभग 6% का आता है। इस योजना जनजाति योजना क्षेत्र में के विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना इसके अंतर्गत तैयार की गई, जिसके जिसमें मुख्य रूप से 1974-75 में जनजाति योजना क्षेत्र, 1977-78 में शहरी विकास परियोजना क्षेत्र और 1978-79 में परिवर्तित क्षेत्रीय विकास माना एक क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। अलग अलग वर्षों में जिसका उद्देश्य क्या था, जनजाति का विकास करना। इस जनजाति जनजाति परियोजना जो क्षेत्र है इसके पूर्ण रूप से विकास करने के लिए शिक्षा, चिकित्सा, जलापूर्ति, नियोजन और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं यहाँ पर लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है। शिक्षा के प्रति यहाँ पर जागरूकता उत्पन्न की जा रही है, उनमें रुचि उत्पन्न की जा रही है, जिसके लिए आदिवासी छात्रों को मुफ्त में पोशाकें, पुस्तकें, विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री, ऐसी सभी सुविधाएं यहाँ पर सरकार के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आश्रम छात्रावास योजना भी विकसित की गई है और संचालित की गई है, जिसमें जनजाति के जो छात्र हैं उनको किराए के मकान में रहने के लिए किराया भी दिया जाता है। यानी कि इस क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको अन्य क्षेत्रों में पढ़ने के लिए किराए के मकान की आवश्यकता होती है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इन छात्रों को किराए की सुविधा भी दी जा रही है। चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की बात की जाए तो इसके लिए दोनों चिकित्सा पद्धतियों के शिविरों का आयोजन भी जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। वास्तव में नर्स प्रशिक्षण केंद्र यानी नर्स ट्रेनिंग सेंटर और उदयपुर में कंपाउंडर स्क्रीनिंग सेंटर यानी कि ये दोनों केंद्रों के ऊपर आदिवासी युवक जो है इनके प्रशिक्षण की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। उदयपुर के अंदर ही रात्रि कर्मल प्रशिक्षण जो गड़ी बांसवाड़ा के अंदर है और माउंट आबू और डूंगरपुर में एसटीसी केंद्र, दबोह में पीएड प्रशिक्षण केंद्र और जनजाति योजना के 500 किलो के अंदर 6 IIT केंद्र यहाँ पर कार्यरत है। यानी कि ये सभी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सरकारी सेवा केंद्र हैं ये सभी यहाँ पर संचालित हैं, जिनमें आदिवासी जो लड़के और लड़कियां हैं और युवतियां हैं इनको रोजगार करने के लिए रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने भारतीय संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत ही कुछ अधिनियम भी पारित किए, जिनके द्वारा इनको डेवलपमेंट की योजना से संबंधित करके विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया गया है। जैसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंदर पारित किया गया, राजस्थान ऋणग्रस्तता से मुक्ति संबंधी नियम यानी कि राजस्थान जगह फोर्टीन पेटेड इंडिविजुअल एक्ट यानी कि लोन से फ्री करने से संबंधित अधिनियम इनके अंतर्गत 1957 में पारित किया गया और उसके बाद में 1970 में भू राजस्व अधिनियम पारित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजकीय सेवाओं के अंदर आरक्षण से संबंधित अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर इन क्षेत्रों के जनजातियों के जो छात्र हैं, जो युवक युवतियां हैं, इनको सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इनके लिए अलग से सीटें निर्धारित की जाती है सरकारी नौकरियों में, जिसके लिए लोगों में रुचि उत्पन्न होने लगी है और धीरे धीरे ये लोग अपने स्तर को सुधारने लगे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 के उप सेक्शन के 4 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में 5% जो प्रवेश है
और जनजाति के लोगों को मिलना चाहिए, इससे संबंधित अधिनियम ये पारित किया गया था। तो ये बात थी राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे पहले उप योजना क्षेत्र योजना का संचालन किया गया। इसके बाद बात करते हैं जनजातियों के विकास के लिए दूसरी योजना के बारे में, जिसका नाम है परावर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरी जो योजना है वो है परावर्तित क्षेत्र विकास उपाधि, जिसे माणा भी कहा जाता है। माणा यानी कि MAPA, इस योजना का शॉर्ट नेम है माणा। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच यानी कि माणा, जिसका नाम दिया गया है परावर्तित क्षेत्र विकास उपाधि। ये जो कार्यक्रम है विकास उपागम कार्यक्रम, ये इसका जो क्षेत्र है यानी ये योजना यहाँ पर संचालित की गई, ये क्षेत्र 16 जिलों के अंदर इनके अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, बारा, पाली, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, टोंक और उदयपुर के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए इस योजना को संचालित किया गया और इस कार्यक्रम का इसका गठन किया गया था, जिसके लिए सरकार ने संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की योजना बनाई थी, बारह की योजना बनाई थी। इन क्षेत्रों के अंदर मीणा बहुल क्षेत्र है, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 3,590 गांव इसमें अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मीणा जनजाति विकास करती है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है उसका लगभग 56% अनुसूचित जाति के अंतर्गत रहता है, यानी कि मीणा की ST कैटेगरी यानी कि सेक्टर ट्राइब के अंतर्गत आती है। तो लगभग 3600 गांव इस योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें कुल जनसंख्या का लगभग 56% जनसंख्या का भाग अनुसूचित जनजाति के रूप में होता है। इस योजना से जनजातियों का जो जीवन स्तर है इसको उन्नत करने के लिए, इस क्षेत्र की गरीबी को मिटाने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने और जनजाति क्षेत्रों के अंदर एक आधार तंत्र खड़ा करने के लिए खड़ा करने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। जनता शासन की बात की जाए तो इस दौरान 1979 में जनजाति विकास विभाग एक अलग रूप से या सेपरेट एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। इससे पहले ये कार्य समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता था, इसीलिए व्यक्ति और सामुदायिक कार्यों के द्वारा जनजातीय जो परिवार हैं उनको आर्थिक दृष्टि से गैर जनजातीय परिवारों के समानता की स्थिति में लाने के प्रयासों में भी तेजी लाई जा सकती है, और तेजी लाने के लिए ही इसे अलग से सेपरेट इसका विभाजन एक विभाग की स्थापना की गई थी। माणा के अंतर्गत यानी कि जो परावर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में विभागों के अंदर आश्रम स्कूल, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, दुकानों के लिए अनुदान, सामुदायिक रूप को गहरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र और तरीके बुनाई के लिए
पेयजल, लघु सिंचाई और चिकित्सा जैसी पर्सनल प्रॉफिट वाली चीजें हैं, व्यक्तिगत लाभ, सामुदायिक विकास की जो योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं, उनको इस पर्यावरण क्षेत्र पास विकास प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत ये सभी प्रकार के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये बात अपनी मारा के बारे में नोटिफाइड इंडियन डेवलपमेंट कैंपस के बारे में, जिसके अंतर्गत इन सभी कार्यों को किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम शहरी विकास कार्यक्रम योजना के बारे में। शहरी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि शहरी विकास कार्यक्रम योजना, ये क्या है? शहरी जनजाति, जैसे हमने बात की थी कि शहरी जनजाति का 99% से अधिक भाग कौन से जिले के अंतर्गत है? 12 जिले के अंतर्गत। तो ये योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए बनेगी? 12 जिले के लिए। तो ये जो कार्यक्रम है शहरी विकास कार्यक्रम, ये 12 जिले का जो किशनगंज और शाहबाद वाला जो तहसीलों का क्षेत्र है, उसकी एकमात्र जो आदिवासी जनजाति है जिसका नाम क्या है? सहरिया, उसके विकास के लिए इन क्षेत्रों के अंतर्गत यानी कि 12 जिले की जो कुशलगढ़, 12 जिले की जो तहसील है किशनगंज और शाहबाद, उसके लिए जो जनजाति है उसको डेवलप करने के लिए इस योजना को लागू किया गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 450 गांव आते हैं और इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो लगभग, इस जनजाति की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 4000 के आसपास है, जो परियोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 24% क्षेत्र भाग इसके अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में रहने वाले शहरी लोगों का ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये कार्यक्रम 1977-78 के अंतर्गत चलाया जाने लगा, जिसके लिए वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकार दोनों से प्राप्त होती है। हालांकि जिसमें केंद्र के द्वारा जो योगदान दिया जाता है उससे निम्नलिखित था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, लघु सिंचाई, पशु का पालन, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा और स्वास्थ्य है, और रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के लिए, और सभी सहायता राशियों के ऊपर सहायता कार्य जो है इनके ऊपर इनका खर्च किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनमें भी सहायता, मुफ्त कानूनी सलाह और ग्रामीण गृह निर्माण जैसी कल्याणकारी योजनाएं जो है उनका संचालन भी इस शहरी विकास कार्यक्रम के किया जा रहा है। तो इस तरीके से शहरी जनजाति से संबंधित, उनका विकास करने से संबंधित ये महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही एक पहल के रूप में है। नेक्स्ट इसके बाद जो आप बात कर रहे हैं हमारा क्लस्टर योजना, माड़ा यानी कि परावर्तित क्षेत्र विकास उत्पादन कार्यक्रम और उसके लिए क्लस्टर योजना। राज्य के जो 7 जिले हैं और 11 जो माड़ा क्लस्टर है, जिसमें पीपलरा है बूंदी जिले का, दिगोल अठोवास है 12 जिले का, खानपुरा, अकलेरा पूर्वी और अकलेरा दक्षिण भाग झालावाड़ जिले के अंतर्गत, केकड़ी क्षेत्र अजमेर का, नाथपुरा क्षेत्र राजकोट का, भरतपुर का वह क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी भाग वह क्षेत्र का, खंडार क्षेत्र सवाई माधोपुर का, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत इस क्लस्टर योजना को संचालित किया जा रहा है, जिस क्षेत्र जिसकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है और इसमें 50% से अधिक जनसंख्या किसकी है? जनजाति के लोग की है। और जनजाति के विकास के लिए भी इस क्लस्टर योजना को लागू किया गया है, जिसमें लगभग 160
60 नावों को शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत 160 गांव की लगभग 53% जो जनसंख्या है वो जनजातीय रूप में है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और व्यक्ति के लिए जो कार्य है ये सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। तो ये इस तरीके की भारत राष्ट्रीय योजना है जो 7 जिलों और 11 बिक्री जनजाति विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को यदि छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो अन्य जिले हैं उनके अंतर्गत लगभग 13 लाख जनजातीय जनसंख्या बिखरे हुए रूप में मिलती है। और इस जनसंख्या के लिए इनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इसकी कार्य योजना को लागू किया गया है जो 1979 से यानी कि 1979 से इसे लागू किया गया है। शुरुआत की गई है इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, आवास सुविधा, स्टेशनरी, ड्रेस यानी कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, ऐसी सभी संबंधित जो सुविधाएं हैं इनको यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। ये सुविधाओं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम का जो संचालन है ये जनजाति क्षेत्र का जो विकास विभाग है, डेवलपमेंट ब्लॉक है, डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। इस तरीके से विद्यालय से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको संचालित, उनका विकास विस्तार करने के लिए जनजाति क्षेत्रों में बिखरी जनजाति का विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जो राज्य के लगभग 31 जिलों के अंदर बिखरे हुए रूप में इसका संचालन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वच्छ परियोजना। स्वच्छ परियोजना दिसंबर 1985 में राजस्थान सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 5 वर्ष का नागरिक उन्मूलन के लिए एक परियोजना चालू की गई जिसके लिए समझौता किया गया था यूनिसेफ के सहयोग से। इस परियोजना का क्षेत्र जो है वो राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आता है जिसे यूनिसेफ के 60% आर्थिक सहयोग की सहायता से इसे चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागृति उत्पन्न करना, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का व्यवस्था करना और पेयजल संसाधनों के अंदर वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करके नाहू उन्मूलन रोग से रोग उन्मूलन कार्यक्रम को यहाँ पर लक्ष्य को प्राप्त करना था उसके लिए यहाँ पर इस योजना को संचालित किया गया। ये योजना ये 31 मार्च 1992 को पूरी हो गई थी जिससे इसके जो लक्ष्य रखे गए थे वो सभी इसके अंतर्गत प्राप्त कर लिए गए।
इसके अलावा भी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जो केवल और केवल एक ही लक्ष्य से संचालित हो रही है। जिनका लक्ष्य क्या है कि राजस्थान के अंदर जो जनजातियां हैं उनका डेवलपमेंट हो, उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो, उनकी शिक्षा स्तर में वृद्धि हो, उनका आर्थिक विकास हो। तो ये सभी प्रकार के विकास के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की सहायता से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं ये हैं जिनको डेवलप किया गया है। इसके अलावा जैसे जनजातीय क्षेत्र वृक्षों की पालन कार्यक्रम योजना, जिसमें आदिवासियों को सैकुट जैसे फसल का उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। साथ ही साथ एकलव्य योजना यहाँ पर लागू की गई, जो बालकों का विकास करने के लिए विद्यालय, छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्रों को संचालित किया गया। रुख भाई कार्यक्रम यहाँ पर वृक्ष मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चलाने का कार्य किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि जनजातीय जो बाहुल्य क्षेत्र है इनमें सामाजिक वानिकी को बढ़ाने के लिए और पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए इस योजना को संचालित किया गया, जिसमें लगभग 540 वन सेवकों को 300 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाता है। और इसके बाद जो योजना चलाई गई वो थी रोजगार, आदिवासियों के रोजगार के अधिक से अधिक मात्रा में अवसर उपलब्ध करवाने के लिए और उनके आर्थिक जो साधन है उनमें बढ़ोतरी करने के लिए फल विकास, पशुपालन, वृक्षारोपण, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन जैसे विभिन्न प्रकार के रोजगार कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से राज्य जो राजस्थान राज्य है इसे अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान को तेज गति से प्रदान करने के लिए मार्च 1980 में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना यहाँ पर की गई थी, जिसमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैकेज प्रोग्राम योजना, स्काई योजना, यार योजना, पोर्टल एक्सेल योजना, दुकान योजना, प्रमोशन योजना और प्रशिक्षण योजना, ये सभी के अंतर्गत लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बात भी राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में। तो इसके साथ ही ये जो टॉपिक था हमारा ट्राइब्स इन राजस्थान, राजस्थान की जनजातियां, ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।